नीट की एक बेसिक क्वेश्चन डाइपोल पे कि एक डाइपोल है, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हम एक डाइपोल है, मान लो एक कोई प्लस माइनस करके चार्ज है जो कुछ दूरी रखा हुआ है, और माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है, पी इस तरफ हो गई। अब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखी हुई है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ है जो पी से ई की तरफ थीटा एंगल बना रही है, तो देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इज गिवन बाय। तो टॉर्क क्या लगेगा? अच्छा, टॉर्क का मतलब ये होता है आर क्रॉस एफ, जो फोर्स लगे उस पर रोटेशनल के हिसाब से, रोटेशनल मैकेनिक्स के हिसाब से। यानी कि हमें पता है प्लस चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है और माइनस चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है, जिसके बाद ये सिस्टम घूम जाएगी। जब ये सिस्टम घूमेगी तो उस पर जो टॉर्क लगेगा आर, यानी ये जो दूरी है, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से अगर टॉर्क निकालने की कोशिश करूँ तो ये टू ए दूरी, अगर मान लो ये टू ए दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये टू ए दूरी, तो टू ए और फोर्स, यानी कि ये वो फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। सो क्यू क्यू इंटू टू ए, जिसे हम पी हमने नाम दे दिया डाइपोल मोमेंट, और के क्यू बाई आर स्क्वायर जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। सो दिस टॉर्क विल बी पी क्रॉस ई। क्रॉस क्यों लगेगा? कि एक दो वेक्टर जब एक वेक्टर रिजल्ट देते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, जिसे हम पी साइन थीटा भी कहते हैं। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पी ई साइन थीटा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,